Hello everyone, this is Mansi from evidyarthi.in. Let's start question number 6, exercise 3.3. Take the data giving the minimum and the maximum temperature of various cities given in the following table. So, यहाँ पे एक table है जिसके अंदर मुझे maximum और minimum temperature given है इन cities का. Plot a double bar graph using the data and answer the question. हम आपको क्या plot करना है? Double bar graph. Means हमें एक double bar graph बनाना है. एंड देन उसकी हेल्प से हमें जो यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है उनको आंसर करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ. नाउ ग्राफ बनाने में सबसे पहले चीज आती है कि आप स्केल क्या लोगे, कितना कितना डिफरेंस लोगे. सो उसके लिए लेट्स सी आवर डाटा फर्स्ट. द मैक्सिमम ओवर हियर इज 41, मींस कि हम 40, अगर हम 5 का गैप ले रहे हैं तो हम 45 तक रख सकते हैं, 10 का गैप लेंगे तो 50 तक रख सकते हैं. सो लेट्स टेक द गैप ऑफ 10. So I'll start with 50, then 40, 30, 20, 10, 0. Fine. ठीक है, अब हमारे पास ये गैप पता चल गया. 5 will be somewhere here, 15, 25. 35 और 45. आपको ये 5-5 के बनाने नहीं पड़ेंगे बिकॉज आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे वहां पे आपको पता चल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अहमदाबाद. दैट इज मैक्सिमम इज 38, मिनिमम इज 39. तो सबसे पहले 38 40 से थोड़ा सा नीचे होगा लाइक दिस. फिर हम ये बार बना देंगे. दिस इज फॉर द मैक्सिमम टेम्परेचर. देन कम्स द मिनिमम, दैट इज 29. मीन्स 30 से बिल्कुल जरा सा नीचे. So, ये मिनिमम और मैक्सिमम किसका है? अहमदाबाद का. फाइन, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं अमृतसर. 37 एंड 26. सो अमृतसर का मैक्सिमम 37 है. 37 विल बी समवेयर हियर. लाइक दिस. देन वी हैव 26. So 26 आएगा 25 से हल्का सा ऊपर, ओवर हियर. ठीक है, ये हो गया अमृतसर का. देन वी हैव बैंगलोर. सो बैंगलोर का मैक्सिमम 28 है. सो 28 विल बी लाइक हियर, लाइक दिस. एंड इसका मिनिमम 21 है. सो 21 यहां पे. बस आपको नंबर देखना है, उसको प्लॉट करते हुए जाना है. ठीक है, सो ये हो गया बैंगलोर का. देन वी हैव चेन्नई विच इज 36 एंड 27. सो 35 विल बी हियर. तो 36 इससे जरा सा ऊपर होगा यहां पे. एंड इसके बाद है 27. सो 25, 26, 27 इट विल बी अराउंड हियर. ठीक है, देन वी हैव दिस वाज चेन्नई. देन वी हैव दिल्ली. सो दिल्ली का है 38, 40 से थोड़ा सा नीचे लाइक दिस. देन मिनिमम है 28. सो 28 विल बी हियर लाइक दिस. सो दिस इज दिल्ली. देन वी हैव जयपुर. सो जयपुर इज 39, मीन्स 40 से हल्का सा नीचे like this. And the minimum is 29. So हो जाएगा round here like this. So ये हो गया जयपुर का. Then we have जम्मू 41. So 40 से ऊपर 41 like this. And the minimum is 26. So means 25 and 26. Means 25 से हल्का सा ऊपर 26. ठीक है, देन वी दिस इज जम्मू. देन हम नेक्स्ट है मुंबई. सो हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेंगे लाइक दिस. एंड मुंबई का मैक्सिमम है 32. सो मींस 30 से थोड़ा सा ऊपर लाइक दिस. एंड इसका मिनिमम है 27. सो दिस विल बी 27 अराउंड हियर. ठीक है, सो यहां पे हम लिख देंगे दिस इज मुंबई.
सो दिस इज दी बार ग्राफ, जो हमें डबल बार ग्राफ बनाना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है. लेट्स कम टू दी क्वेश्चंस नाउ. विच इज दी हॉटेस्ट सिटी एंड विच, ओके फर्स्ट पार्ट इज विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर. अब आपको देखना है कौन सी सिटी का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस है. अब आपको पता है ये वाले सबके मैक्सिमम है, ठीक है. तो आपको देखना है किसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है. सबसे ज्यादा डिफरेंस कैसे देखेंगे, ये जो डिफरेंस है मतलब ये हो गया ये मिनिमम मैक्सिमम का. अब आपको देखना है सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है. यू विल सी जो ये जम्मू है ये सबसे बड़ा है यहाँ पे, और इसका बीच का ये वाला जो डिफरेंस है ये सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि बाकी सब नीचे नीचे और इससे नीचे इतना कोई नहीं है जिसमें जो इतना सबसे ज्यादा डिफरेंस इसमें है. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा जम्मू. एंड ऑल्सो अगर आपको अपना क्रॉस चेक करना है, अगर आपको ग्राफ्स इतना क्लियरली नहीं रिप्रेजेंट हो रहा अपने ग्राफ में, सो आप यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हो कि जम्मू में 41 और 26 कितना डिफरेंस है, बाकी सब में 39 29 बाकी सबका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी. अब आपको बताना है कि इसमें हॉटेस्ट सिटी कौन सी है और कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है. सो फॉर दैट अब हॉटेस्ट कैसे पता चलेगा कि जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा. सो इसमें देखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर के बार ये वाली है और हाईएस्ट बार किसका है मैक्सिमम में, अगेन जम्मू का विच इज हियर. इतना बड़ा मैक्सिमम का किसी का भी बार नहीं है. सो द हॉटेस्ट सिटी विल बी जम्मू, ठीक है. अब जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर इतना ज्यादा गया वही हॉटेस्ट सिटी होगी ना. देन वी हैव टू ऑल्सो टेल दी कोल्डेस्ट सिटी. कोल्डेस्ट सिटी मतलब कि जिसका जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो सबसे कम गया होगा. सो यहाँ पे ये वाली साइड की ये मिनिमम टेम्परेचर है, सो सबसे कम कौन सा बार है, दिस वन. फाइन, सो द कोल्डेस्ट सिटी इज बैंगलोर. इट इज अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन, ठीक है. अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे. नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर. अब इसमें आपको क्या बताना है, ऐसी किसी दो सिटीज के नाम बताने हैं जिसमें एक का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे के मिनिमम टेम्परेचर से भी कम था. सो लेट्स सी. अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर कम किसका है. बेसिकली आपको ऐसा बार देखना है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर किसी के मिनिमम से भी कम हो. जैसे मिनिमम ये वाली है सबके, सो जिसका मैक्सिमम किसी के मिनिमम से भी कम हो. सो ओवर हियर विद दिस ग्राफ वी कैन सी बैंगलोर का एंड जयपुर का. सो बैंगलोर का जो मैक्सिमम है जयपुर के मिनिमम से भी नीचे है. सो एक हो जाएगा थर्ड पार्ट में बैंगलोर एंड जयपुर. सिमिलरली और एक और हमें सिटी बनानी है. सो अगेन यू विल सी अहमदाबाद एंड बैंगलोर का भी सेम है, उसका जो हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर है वो उसके मिनिमम से भी कम है. सो द सेकेंड विल बी बैंगलोर एंड अहमदाबाद, ठीक है. अगेन अगर ग्राफ में कंफ्यूजन है तो आप यहां जाके देख सकते हो. जैसे कि हमने बैंगलोर और जयपुर लिया तो बैंगलोर का अगर आप देखोगे सो वो 28 है, ठीक है, और जयपुर का 29, मतलब कि उसका मैक्सिमम उसके मिनिमम से भी कम है. सिमिलरली ये 28 है और अहमदाबाद में भी ये 29 है. सो एक हो गई जयपुर एक हो गई अहमदाबाद, ठीक है. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम. अब आपको ऐसी सिटी बतानी है जिसके मिनिमम और मैक्सिमम में सबसे कम गैप हो. सो अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास ये सारे गैप्स है. आपको देखना है सबसे कम गैप कौन सा है. यू कैन सी सब में इतना इतना गैप है, जो मुंबई है उसमें सिर्फ इतना गैप है, राइट. सो सबसे लीस्ट गैप किसमें है, मुंबई में. अगेन यू कैन गो बैक टू द टेबल ऑल्सो, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 27 एंड 32 ये बाकी सब में सबसे कम गैप है. फाइन, सो अब आपको पता चल गया कि हम बार ग्राफ डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं एंड देन इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.3.
If you have any doubt, any query, तो नीचे आप comments में mention कर सकते हैं. And also, if you want regular updates, please subscribe our channel. So, see you again with the new video. Till then, take care and bye-bye.